नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आई है डिफरेंट टाइप की उनके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए भारत के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इन वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितनी लगने वाली है, ये सब जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है सतीश धवन स्पेस सेंटर ने, जो कि इसरो के अंतर्गत काम करता है, और विज्ञप्ति संख्या है SDSC SHR RMT 1/2019। ये जारी हुई है 9 नवंबर 2019 को। इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसके अलावा जहां इसके एलाइड सेंटर है वहां आपको काम करने का मौका मिलेगा। जो वैकेंसी आई है पहली हुआ है टेक्नीशियन बी की, जो कि 21,700 से 29,000 वाले ग्रेड में है। इसमें पहली वैकेंसी है कारपेंटर की, एक ही वैकेंसी आई है और ये है ओबीसी की। इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपने ITI NTC या NAC कर रखा हो कारपेंटर ट्रेड में NCVT से। बात करें हम केमिकल की, तो केमिकल के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपने ITI कर रखा हो, या तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल में, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटर में, या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में, या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल में। ये जो 5 ट्रेड है इनमें से किसी में भी आपने ITI कर रखी हो NCVT से और वैकेंसी आई है टोटल 10। एक बात और हम आपको बता दें कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जिनके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में बनवा लें, क्योंकि वही मान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। आई है इलेक्ट्रीशियन की, इसमें वैकेंसी आई है 10। इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपने ITI कर रखा हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो इसके लिए वैकेंसी आई है 14। इसके लिए आपने 10th के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ITI कर रखी हो। बात कर लेते हैं फिटर की, तो फिटर के लिए वैकेंसी आई है 34 और इसके लिए आपने ITI NTC NAC कर रखा हो फिटर ट्रेड में 10th के बाद। जो कैंडिडेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी आई है 2। इसके लिए आपने मैकेनिक ट्रेड में ITI कर रखी हो। जो कैंडिडेट पंप ऑपरेटर का मैकेनिक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी आई है 6। इसके लिए आपने 10th के बाद पंप ऑपरेटर में ITI कर रखी हो। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए वैकेंसी आई है 5। इसके लिए आपने ITI कर रखी हो R&AC में, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। तो साथी ये अब तक जो वैकेंसी थी आई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर में। अब बात कर लेते हैं इसके एलाइड सेंटर्स में। तो पोस्ट कोड है 9, केमिकल की वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन की, एक वैकेंसी है और इसके लिए आपने 10th के बाद ITI कर रखी हो अटेंडेंट ऑपरेटर में, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटर में, या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक में केमिकल प्लांट में, या फिर लैब असिस्टेंट में केमिकल में। तो केमिकल से संबंधित फील्ड में आपने ITI कर रखी हो। इसके अलावा फिटर की अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी आई है। ये आई है प्रोपलेंट कॉम्प्लेक्स में, जो रसायनी फैसिलिटी है रायगढ़ में वहां। इसके लिए आपने 10th के बाद फिटर ट्रेड में ITI कर रखी हो। रायगढ़ में ही 2 वैकेंसी और आई हैं। ये आई हैं बॉयलर की। इसके लिए आपने 10th के बाद बॉयलर ट्रेड में ITI कर रखी हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी एक वैकेंसी आई है। ये आई है ग्राउंड स्टेशन SDSC में, श्रीहरिकोटम में एक वैकेंसी है और इसके लिए आपने ITI कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। सबसे अंत में जो वैकेंसी आई है 13वीं, वो आई है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की। इसके लिए आपने 10th के बाद ITI कर रखी हो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में और वैकेंसी आई है इसमें 2। तो इस तरीके से वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट नंबर 9 से 11 तक की जो वैकेंसी हैं उनको डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र में पोस्टिंग दी जाएगी, जो इसका सेंटर है। वहीं जो 12वीं है उसके लिए स्ट्रैक ग्राउंड स्टेशन STC शार में पोस्टिंग दी जाएगी। बाकी जो वैकेंसी हैं 1 से लेकर 8 तक उनको श्रीहरिकोटा में, जो इसरो का सेंटर है, वहां जॉब करनी होगी। और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट एक से ज्यादा भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। तो वो कैंडिडेट जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको अलग अलग आवेदन करने होंगे। अब बात कर लेते हैं पे अलाउंस और एज लिमिट की। तो टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, यानी सभी पोस्ट के लिए सैलरी आपकी होगी 21,700 से 29,000 वाले ग्रेड में। आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी लगभग 25,000 रुपये महीने, उसके बाद ही बढ़ती जाएगी और आपकी एज लिमिट होगी 18 से लेकर 35 साल। ये काउंट की जाएगी 29 नवंबर 2019 को। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का दिया जाएगा और उन्हीं वैकेंसी के लिए दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा जो विधवा तलाकशुदा महिला हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उनको एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही 1984 के दंगा पीड़ित हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है और ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। जो महिला कैंडिडेट हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं और एक्सेसमैन हैं, साथ ही PH कैंडिडेट हैं, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करनी होगी, फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, JPG फॉर्मेट में होंगे ये दोनों,
वही 10th का सर्टिफिकेट और ITI या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब आप PDF में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप अगर SST OBC EWS हैं या फिर PH कैंडिडेट हैं तो अपना सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करेंगे। जो एक्सेसमैन है वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो मांगे जाएंगे वो सब आपको अपलोड करने होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा उसमें पहले होगा आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आपको कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे। ये 100 नंबर पे किया जाएगा तो मिनिमम 60% मार्क्स होंगे और ये गो नो गो बेसिस पर होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको रिटन के मार्क्स के बेस पर फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। एक बात और हम आपको बता दें कि कोई भी एडमिट कार्ड ऑफलाइन नहीं आएगा, तो ईमेल आईडी पर सूचना दी जाएगी। आप वहीं से ईमेल आईडी में जानकारी होगी उसके अनुसार आप www.shr.gov.in पर जाके वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप www.shar.gov.in पर जाके या फिर आप apps.shr.gov.in पर जाके वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसको आपको संभाल के रखना है। आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सिर्फ वो कैंडिडेट जो कहीं और दूसरी जगह नौकरी करते हैं अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको NOC भेजनी होगी। जो कैंडिडेट जो कहीं और जॉब कर रहे हैं और अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो फॉर्म भरने के बाद 9 दिसंबर तक अपनी NOC भेजेंगे साधारण पोस्ट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR श्रीहरिकोटा 524124 SPSR नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आप यहां भेजेंगे अपनी NOC और वही कैंडिडेट भेजेंगे जो पहले से कहीं जॉब में है। बाकी जो कैंडिडेट जो कहीं जॉब नहीं करते हैं बेरोजगार है उनको कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों आप महत्वपूर्ण दिनांक फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है 9 नवंबर, लास्ट डेट है 29 नवंबर। वेबसाइट है www.shar.gov.in, साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी अपना आवेदन कर सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।